अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको हम टीवी के सुपर हिट ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के सीज़न 2 के बारे में बताएंगे। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप बिलाल अब्बास खान या फिर दुरेफिशान सलीम के फ़ैन्स हैं तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बिलाल अब्बास खान और दुरेफिशान सलीम के इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल के सीज़न 2 के बारे में बात करेंगे। इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल हम टीवी के लिए हुआ गेम चेंजर साबित। इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल ने तमाम ड्रामा सीरियल के रिकॉर्ड ब्रेक किए थे। इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल ने जो TRP हासिल की थी, अब वो पहले 5 ड्रामा सीरियल में शामिल हो गया, जिसमें पाकिस्तान के पहले वो 5 ड्रामा सीरियल शामिल हैं जो कि सबसे ज़्यादा टीवी स्क्रीन पर देखे गए थे। सबसे पहले था मेरे पास तुम हो, उसके बाद था मुनाफिक। हम टीवी का जो ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद, उसने मुनाफिक का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था। बाकी ये हम टीवी के जो ड्रामा सीरियल आते हैं उनके सीज़न 2 भी हमें लाजमी देखने को मिलते हैं, अगर वो ब्लॉकबस्टर हो जाते हैं तो। इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल अगर आप लोगों ने देखा था और इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल को एंजॉय किया था तो आप लोगों के लिए है एक गुड न्यूज़, क्योंकि इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल लिखा था अब्दुल खालिक खान ने और उन्होंने ही कंफर्म कर दिया कि इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल के 2 पार्ट और आएंगे। इसका मतलब यह है कि इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल का सीज़न 2 भी आएगा। सीज़न 2 के बाद इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल का सीज़न 3 भी हमें देखने को मिलेगा। इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल का एक सीज़न हो गया कम्प्लीट, दूसरा सीज़न पाइपलाइन में है, उसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, कास्टिंग कन्फर्म होगी और बाकी सारी चीज़ें कन्फर्म अभी होनी है। सिर्फ एक बात कंफर्म हो चुकी है कि हमें इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल का सीज़न 2 लाजमी देखने को मिलेगा, क्योंकि राइटर ने यह बात कंफर्म कर दी है। इस तरह इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल के सीज़न 1 में हमें बिलाल अब्बास खान खुद गरीब हो जाता है किसी लड़की को, मतलब के पाने के लिए, उसकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, सीज़न 1 इस पे था। सीज़न 2 में हमें यह दिखाया जाएगा कि बिलाल अब्बास खान और दुरेफिशान सलीम एक दूसरे के कज़ान होंगे और किस तरह वो एक दूसरे की मोहब्बत को हासिल करने के लिए बैरियर्स से गुज़रते हैं, किस तरह वो मुश्किलात से गुज़रते हैं। तो इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल का जो सीज़न 3 आएगा उसमें हमें ये दिखाया जाएगा कि किस तरह एक लड़का दुनियावी मोहब्बत से हट के हकीकी मोहब्बत की तरफ चला जाता है। ये इंटरव्यू में अब्दुल खालिक खान ने खुद हमें बताया है। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोगों ने इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल देखा है या नहीं, और अगर आप लोगों ने इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल देखा है और सीज़न 2 देखना चाहते हैं या नहीं, सीज़न 2 में किन अदाकारों को देखना चाहते हैं, बिलाल अब्बास खान को, दुरेफिशान सलीम को या किसी फ्रेश पेयर को देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल इस तरह ब्लॉकबस्टर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ बिलाल अब्बास खान और दुरेफिशान सलीम की केमिस्ट्री की वजह से। मैं भी यही चाहता हूँ कि सीज़न 2 में हमें बिलाल अब्बास खान के अपोजिट दुरेफिशान सलीम ही नज़र आए, गीतों ही ड्रामा सीरियल ब्लॉकबस्टर बन सकता है। बाकी आप लोग अपने राय कमेंट्स में मुझे ज़रूर दें, और इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल में किसको देखना चाहते हैं, बिलाल अब्बास खान को, दुरेफिशान सलीम को या फिर दोनों को देखना चाहते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।